सैम पित्रोदा का एक बयान आया और उस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे गाली जब दी जाती है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा आया है जब मेरे देश के लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देश को गाली दे रहे हैं, मेरे देशवासियों को अपमानित कर रहे हैं, शहजादे को इसकी इजाजत किसने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहजादे को इसका जवाब देना पड़ेगा। जो बयान सैम पित्रोदा ने दिया है उस बयान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ये लोग मुझे गाली देते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब हमारे देशवासियों को गाली दिया जाता है तो मुझे गुस्सा आया है। और उन्होंने कहा कि इसकी इजाजत किसने दी है। कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मैं गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल? शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं।